गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका का 5वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है किरणों के संग खेलें। और इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से प्रातःकालीन सौंदर्य और उसे देखकर मन की दशा में होने वाले परिवर्तन को शब्दों का रूप दिया गया है। आइए जानते हैं इस कविता के माध्यम से। चलो चले खेलेंगे, जो भी मिला रहा में अपनी साथ उसे ले लेंगे। क्या खेलेंगे हमें क्या पता, जो सूझा खेलेंगे। तो बच्चों, इस कविता में एक बच्चा अपने मित्रों से कह रहा है कि चलो खेल खेलेंगे, और जो भी रास्ते में मिलेगा, रहा मतलब रास्ता, और जो भी रास्ते में मिलेगा उसे अपने खेल में शामिल कर लेंगे। तो उनके जो मित्र हैं वो पूछ रहे हैं कि हम ऐसा क्या खेल खेलेंगे। तो बच्चा कह रहा है कि हमें क्या पता, जो भी हमें अच्छा लगेगा वो खेल लेंगे। सूरज हुआ अगर ऊपर, पेड़ों में छुप करके उसे चुनौती देंगे, छू लो किरणें दौड़ा करके। यदि आसमान में सूरज होगा ऊपर, तो हम पेड़ों में से छुपकर उसको चुनौती देंगे कि अपनी किरणों को दौड़ाकर हमें छू लो। किरणें जैसे ही छूने को आसमान से उतरें, गिलहरियां दौड़े पेड़ों पर आती किरणें कुतरें। और जैसे ही किरणें हमें छूने को आसमान से उतरकर नीचे आएंगी, तो गिलहरियां दौड़कर पेड़ों पर आती हुई किरणों को कुतर लेंगी। भाग खड़ी होंगी ऊपर को आएंगी फिर नीचे, गिलहरियों से बच पत्तों से छनके नीचे नीचे। और फिर वो जल्दी से ऊपर भाग जाएंगी सारी किरणें, और फिर दोबारा से नीचे आएंगी, और गिलहरियों से बच बच कर वो पत्तों के बीच में से होके नीचे आएंगी। घुस जाएंगे तुरंत पेड़ के कोटर में हम सारे, धीरे धीरे घुस जाएंगे सूरज की अंगारे। और तब हम सब बच्चे पेड़ की कोटर में घुस जाएंगे। बच्चों, कोटर होती है जो उसके तने में एक खोखला सा भाग होता है, जो खाली सा हिस्सा होता है, उसे कोटर कहते हैं। तो जब सूरज की किरणें चुपचाप से पत्तों के बीच में से नीचे आएंगी, तो सारे बच्चे कोटर में घुस जाएंगे। और फिर धीरे धीरे शाम हो जाएगी, तो सूरज के अंगारे यानी कि सूरज भी घुस जाएगा, सूरज भी चला जाएगा। चली जाएंगी किरणें हस्ती हुई खींच के मार, चांद खिलेगा छिटक जाएंगे तारे तारे। और बच्चों, जब किरणें चली जाएंगी गुस्से में और हस्ती हुई, कुछ हंसते हुए कुछ गुस्से में, तब चांद खिलेगा उसके बाद, और सारे आसमान में तारे ही तारे छा जाएंगे। सो जाएंगे हम घर जाकर खिड़की पास उघारे, हम समझेंगे खेल खत्म है लेकिन किरणें आकर सुबह हमें छू लेंगी। सूरज हमें दिखेगा हंसता ऊपर ताली बजा बजा कर। और जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि फिर हम रात हो जाएगी, तो हम सब अपने घर जाकर सो जाएंगे खिड़की के पास, फिर हम सब समझेंगे कि खेल ख़त्म हो गया है, यानी कि किरणों का छूने का खेल ख़त्म हो गया है। लेकिन किरणें फिर से आ जाएंगी सुबह और हमें छू लेंगी, और फिर जो सूरज है वो हमें आसमान में ताली बजा बजा कर हंसता हुआ ऊपर दिखेगा। और बच्चों, इस कविता के कवि नवीन सागर हैं। धन्यवाद।